नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। कोयला और पेट्रोलियम, हमने ये चैप्टर कवर कर लिया है और आज जो हमारा है वो एक और टॉपिक हम इस चैप्टर का ले रहे हैं, वो है प्राकृतिक संसाधन। ये क्या है? तो चलिए बुक खोलते हैं और इसके बारे में समझते हैं। सो बच्चों, प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, इसके बारे में बात करने से पहले हम जरा सा ये जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? क्योंकि देखिए, जैसा इसमें कहा है कि इनका जो प्रक्रम है, जो प्रोसेस है, वो उसमें हम देखते हैं हजारों साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ इयर्स की हम बात कर रहे हैं, वो लगते हैं। तो हम उतना अगर कहें तो वो प्रोसेस जो इतने सालों में हो रहा है उसको हम उतने ना तो प्रेशर बना सकते हैं ना टेम्परेचर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, तो इसलिए हम चाहें तो अभी तक तो हमारी जितना एक रिसर्च हुई है उसमें नहीं बना सकते। आगे आने वाले समय में मालूम नहीं है कि ऐसे कुछ नया सिस्टम बन जाए कि हम उसको आर्टिफिशियल वे में बना सकें। तो ये एक हमारा छोटा सा प्रश्न है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी। अब आज के टॉपिक पर आ रहे हैं, कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित। तो ये अब हम अपने बात पर आ रहे हैं कि ये जो हमें जितनी हमने कोयला की बात करी, हमने जीवाश्म ईंधन की बात कर रहे हैं, तो ये सारे क्या हैं? हमने ये देखा क्योंकि ये बनने में हम इनमें इतना टाइम लग रहा है, इसलिए अगर हम कहें तो ये वाकई ये एक सीमित हैं। तो जैसा हमने शुरू के ही, अब जब हमने चैप्टर स्टार्ट कर रहा था तब का बात कर रही थी कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि, ये सब समाप्त होने वाले हैं। और अब आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इनको बनने में इतना समय लगता है, तो हमें नहीं मालूम कि कितना वो प्रोसेस चल रहा है और धरती के अंदर क्या वो एक ये कितना बन रहा है वो हमें नहीं मालूम है। और लेकिन हमें यह मालूम है कि उनका कंजप्शन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है एक इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही है। पहले अगर जहां 10 बिल्डिंग थी अब 100 बिल्डिंग हो गई है, तो इस प्रकार तो उतनी ही जनता एक उनका पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। और जब वो इंक्रीज हो रही है तो आप कहें तो आप स्कूटर है, आप साइकिल तो हम नहीं इससे चला रहे हैं, आपके जितने और विभिन्न प्रकार के वाहन हैं उनकी भी संख्या एक इंक्रीज हो रही है। और वो जो एक इंक्रीज हो रही है तो हमारा जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो एक रिक्वायरमेंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो हम देख रहे हैं हर जगह इंक्रीज हो रहा है। वो जो अगर हम रेशियो देखें जिस हिसाब से वो इंक्रीज हो रहा है कंजप्शन, उस हिसाब से जो उनके बनने की प्रक्रिया है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, वो उतना ही समय ले, तो इसलिए हमारा वो मैच नहीं हो रहा है। तो जैसा आपको इसमें कि कोयला, पेट्रोलियम, ये एक हम इनको जीवाश्म ईंधन कह रहे हैं, और ये आपको मालूम है क्योंकि जीवाश्म ईंधन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जीवों के अंश हैं, कहीं पेड़ पौधे हैं तो कहीं हमारे जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं। तो मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए हम इसमें लाखों वर्ष लग रहा है, और दूसरी ओर क्या है, इनके ज्ञात भंडार को 100 वर्ष और चलने वाले। ये देखिए, ये आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 100 वर्ष और चलेंगे। तो सोचिए, और 100 वर्ष में हमारी पॉपुलेशन कहाँ जाएगी? तो क्या रेशियो मेंटेन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसके अतिरिक्त क्या है, इन ईंधनों का जलना एक क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण हो रहा है। तभी हम सीएनजी और डिफरेंट वो कर रहे हैं कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हमारे पास फ्यूल होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल ये सारा हमारा एक पॉल्यूशन इंक्रीज कर रहा है। इनका संबंध अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन, इसमें भी हो रहा है, क्योंकि इतनी गैसेस आपकी जो प्रदूषण कर रही हैं वो बन रही हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है और हमारे पेड़ कट रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, है ना। तो ये सारे कारण हो रहे हैं जिसके कारण हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है।
तो इसलिए क्या आवश्यक है कि जो हम ये जो ईंधन का जो उपयोग है हम उसको एक समझदारी से करें। या आपके बुक में ये लिखा हुआ है कि जब आवश्यक हो, तो भाई आवश्यकता तो हमारी रोज की है, लेकिन अगर एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि कहीं अगर आप पैदल जा सकते हैं तो आप पैदल जाइए। कभी आप जानते हैं कि अगर आपके हाथ में स्कूटी मिल गई तो आपका चाहे आपका 5 मिनट की वॉकिंग हो, लेकिन आप स्कूटी लेके दौड़ते हैं कि मैं सामान ले आता हूँ, या मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहा हूँ, या मैं अपने स्कूल जा रहा हूँ। आप हर बच्चा, अगर घर में 2 बच्चे हैं, दोनों अपने अपने व्हीकल से जाएंगे, वो एक गलत बात है। आप ये भी एक जैसे बहुत जगह आपके बड़े शहरों में आपका एक हुआ कि सब लोग एक सेम ऑफिस जा रहे हैं, सेम जगह से जा रहे हैं, तो वो एक पूल कैब कर लें कि सब लोग एक ही कार में जाएं। तो 4 लोग 4 अलग-अलग कारों में जाने से अच्छा वो एक ही कार में जाएं, तो प्रदूषण भी कम होगा रोड पे। अगर कहें हम ट्रैफिक भी कम होगा, तो अभी हम ट्रैफिक की तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मेन ईंधन का जो यूज है वो भी कम होगा, है या नहीं है। तो इसलिए अब जैसे बच्चे आप स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाने के लिए भी क्या आपके आस पड़ोस के फ्रेंड्स से हर किसी का क्या होता है कि अगर बहुत सी जगह माता पिता छोड़ने जा रहे हैं, या हम स्कूल बसेस हैं, तो ये जरूर है कि एक स्कूल बस में देखिए कितने बच्चे एक साथ चले जाते हैं। तो हमें इस टाइप से सोचना है कि किस प्रकार हम एक अगर हो सकता है तो उस समय हम व्हीकल का यूज नहीं करें कि एक तो हमारी पेट्रोल की खपत भी कम हो, या डीजल यूज कर रहे हैं डीजल की खपत कम हो, और उससे एक हम पर्यावरण को भी सुरक्षित कर पा रहे हैं। और जो इस टाइप से अगर हर इंसान सोचेगा तो कितना हमारा एक डेली उसमें देखें तो कितना ईंधन भी सेव हो जाएगा। तो इस बारे में आप लोग भी जरूर सोचिएगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि पर्यावरण अगर बेहतर बनेगा तो हमारा ये जो एक ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है वो भी कम होगा, और जो हमें ईंधन की जो उपलब्धता है, जो हमारे एक स्टोरेज है, वो भी और थोड़े और समय तक वो चल सकेगा कि हमारे बाद आने वाली जो जनरेशन है वो उसका यूज कर सके। इसलिए अब इतना ज्यादा एक कहें एक क्राइसिस के हम एक कहें तो एक एज पर खड़े हो गए हैं कि अब डिस्कवरी हो रही है कि कैसे इलेक्ट्रिक हम कार्स चला सकें, कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकें, लेकिन हर जगह एक सीमित हमें कहीं ना कहीं एक हमें लिमिट करनी पड़ेगी। भारत में जो है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को वो ये सलाह देता है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार आप पेट्रोल और डीजल इसका आप उसको बचा सके, कि आप ये है कि जहां तक जो आप गाड़ी जो चला रहे हैं उसको सामान्य और मध्यम गति से ही चलाएं। क्योंकि क्या होता है, हम जब रैश ड्राइविंग करते हैं तो पहले तो हम एकदम उसको तेज चलाते हैं, फिर स्लो करते हैं। अगर कॉन्स्टेंट स्पीड नहीं रहती है तो हमारा जो पेट्रोल है उसका कंजप्शन ज्यादा होता है। और जब हम ट्रैफिक लाइट में खड़े हैं और हमें लग रहा है कि हमें वेटिंग टाइम हमारा ज्यादा है, तो हमें जो इंजन है उसे बंद कर देना चाहिए। और इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारे व्हीकल के जो टायर हैं उनमें हमें चेक करना चाहिए कि हवा प्रॉपर हो, दाब प्रॉपर हो, क्योंकि अगर वो प्रेशर उनका प्रॉपर नहीं होगा तो वो इंजन ज्यादा फ्यूल यूज करेगा उसको खींचने। ये समझ लीजिए ऐसे कि अगर आपके अंदर प्रॉपर एक एनर्जी है, आप जल्दी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बीमार हैं, आपके अंदर उतनी ताकत नहीं है, तो आपको एक अपने को खींचना पड़ता है, आपको बहुत एक जोर लगाना पड़ता है। तो इसलिए जो आपके टायर है उनका दाब आप देखें, जो एक स्टैंडर्ड है उसमें रहे, और समय समय पर हम जो एक कहते हैं ना गाड़ी का मेंटेनेंस, वो भी करवाना चाहिए। क्योंकि आपके जब इंजन और जो अंदर के जो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं वो जब प्रॉपर काम करते हैं तो ईंधन कम लेते, एक प्रॉपर जितना लेना होता है लेते हैं, लेकिन अगर कहीं कुछ खराबी है तो वो ईंधन का ज्यादा उपयोग करते हैं। सो बच्चों ये सारी जानकारी है, तो देखिए हमारी एक जनरल नॉलेज तो एक इंक्रीज जरूर हो रही है, लेकिन एक हमें ये भी एक नॉलेज मिल रही है कि किस प्रकार हम भी एक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को सेव करने।
थोड़ा सा आज जो पढ़ा है उसके नोट्स देख लेते हैं। सो बच्चों, प्राकृतिक संसाधन का सीमित उपयोग, मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्ष लगते हैं तथा इनका भंडारण सीमित है। जीवाश्म ईंधन वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। जीवाश्म ईंधन द्वारा जो आपका विश्व उष्ण है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, की भी समस्या जागृत होती है। इसलिए हमें जो प्राकृतिक संसाधन है उनका हमें सीमित उपयोग करना चाहिए। तो अगर क्यों करना चाहिए ऐसा प्रश्न आता है, तो आप इसको ऐसे पॉइंट्स में लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो आज हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज जरूर है, लेकिन हमें उतनी ही समझदारी से यूज करना चाहिए। एक तो पहला पॉइंट आया कि वो लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे, और दूसरा है हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकें। दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अब आपको क्या समझ में आया, कितना आप इसको एक समझदारी से उपयोग करते हैं, जरा हमें भी बताइएगा। और ये आपके भी हाथ में है कि आप अपने पर्यावरण का एक संरक्षण करें। तो अगले सेशन में हम प्रश्न और उत्तर के साथ मिलते हैं। बाय।